इंग्लिश ग्रामर में अराउंड 150 प्रेपोजिशंस हैं और उसमें भी 70 प्रेपोजिशंस कॉमनली यूज होते हैं. मतलब कि अगर आपने 70 प्रेपोजिशंस अच्छे से तैयार कर लिए तो आपकी इंग्लिश चुटकियों में सुधर जाएगी और आप काफी अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे. Hi guys, how are you doing? Hope you are doing well. My name is Kanchan and you are watching English Connection. Basic English Grammar Series में आज है Day 13 और आज का Topic है Prepositions. Prepositions बहुत ही ज़्यादा important होते हैं, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि Preposition के बिना Sentence का Sense निकालना मुश्किल है. अगर मैं तीन सबसे important Prepositions की बात करूँ जो कि है In, On और At, जिसमें कि काफ़ी Learners confused भी होते हैं कि कहाँ पे इनका यूज करना है, कहाँ पे एट का और कहाँ पे ऑन का. तो गाइज इस वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि ये भी टिप्स मैं आपको दूंगी ताकि आप इन ऑन और एट में कंफ्यूज ना हो. उसके अलावा आप इस वीडियो में ये तो सीखेंगे कि प्रेपोजिशंस हैं क्या, साथ ही साथ प्रेपोजिशन फॉर्म्स भी सीखेंगे और आप ये भी सीखेंगे कि हम प्रेपोजिशंस कहाँ कहाँ और किन किन वर्ड्स के लिए यूज करते हैं. तो वीडियो में एंड तक बने रहें. जो टॉपिक आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगे वो कमेंट में लिख के जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. उसके बाद आने वाले बेल के निशान को जरूर प्रेस करें ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें क्योंकि ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बेसिक ग्रामर को कवर कर रहे हैं. तो चलिए गाइस आज के इस लेसन की शुरुआत करते हैं. तो गाइस सबसे पहले अगर ये बात करें कि प्रेपोजिशन है क्या तो डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं. गाइस बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारना है आपको क्योंकि आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है. धीरे धीरे करके सारे कॉन्सेप्ट को समझ के आप बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे. तो बस आपको एक एक लेसन पूरा देखना है. डेफिनेशन की बात करते हैं. प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, एक ऐसा शब्द है दैट कनेक्ट्स, कनेक्ट करता है किसे, नाउन्स, प्रोनाउन्स और फ्रेजेस. नाउन, प्रोनाउन या फिर फ्रेजेस को कनेक्ट करता है किससे, करता है टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. मतलब कि किसी सेंटेंस में जो और वर्ड्स हैं उनसे नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस को कनेक्ट करता है, मतलब उनके बीच का कनेक्शन बताता है. ठीक है, मतलब कि आप सेंटेंसेस में समझिए, द मार्कर इज माय हैंड. अब मान लीजिए ये मार्कर मैंने यहां रख दिया, अब आपको क्या बोलेंगे, आप इसे हिंदी में बोलेंगे कि मार्कर मेरे हाथ पे है. ठीक है, अब इसे जब इंग्लिश में मैं बोलूंगी तो मैंने बोला द मार्कर इज, मेरे हाथ के लिए भी मैंने लिख दिया माय हैंड. अब ये बताना है कि पर है तो हम इसके लिए यूज करेंगे ऑन, तब ये सेंटेंस पूरा होगा और इसका एक सेंस निकलेगा, द मार्कर इज ऑन माई हैंड, मतलब कि मार्कर मेरे हाथ पर है. तो गाइज ये बात है कि पर के लिए हमने ऑन यूज किया, लेकिन डोंट ट्राई टू ट्रांसलेट. केवल हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से ही आपको प्रेपोजिशंस नहीं आ जाएंगे, तो ट्रांसलेट करने की कोशिश ना करें क्योंकि कई जगह मे के सेंस में आप एट का भी यूज करते हैं और इन का भी यूज करते हैं. तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे किसका यूज करना है. ठीक है, तो अगर कोई भी चीज इस तरीके से सतह पे रखी है तब हम ऑन का यूज कर लेंगे. सो द मार्कर इज ऑन माय हैंड. आई एम डैश द रूम, मैं कमरे में हूं. ऑब्वियस सी बात, अगर कमरा है तो मैं बोल रही हूं मैं कमरे में हूं. तो कोई भी चीज मे के लिए हम यूज करते हैं इन, मतलब कि जब वो अंदर की बात करे कि उस एरिया में मैं अंदर हूं उसके, तब मैं यूज करूंगी आई एम इन द रूम. ठीक है, अब ये हो गया कि आपको ये समझ में आ गया कि सेंटेंसेस में हमें इन्हें कैसे यूज करना है. ठीक है, अब हम इसके नाम से बात करते हैं कि आपको, ताकि ये याद करने की जरूरत ना पड़े कि डेफिनेशन याद करना है, आपको समझना है प्रेपोजिशन किससे बना है. प्री पोजिशन, प्री मीन्स होता है पहले, पोजिशन मीन्स जगह, तो इन दोनों वर्ड से मिलकर बना प्रेपोजिशन. मतलब कि पहले जगह पे आना है, किससे पहले, नाउन या प्रोनाउन या उन फ्रेजेस से, तो जिनके बाद वर्ड्स आते हैं ना उनके पहले इन्हें लिखना है. जैसे मैंने बोला ना ऑन माय हैंड, मैं ये नहीं बोलूंगी माय हैंड ऑन. ठीक है, पहले ये आएगा ऑन. इसी तरीके से रूम के पहले आए, मतलब मैं रूम में हूं ना, तो रूम के पहले इन आया, तो प्री पोजिशन. प्रेपोजिशन का मतलब होता है प्लेस बिफोर. और इसके बाद जो ये नाउन आते हैं, जो प्रोनाउंस आते हैं, जो फ्रेजेस आते हैं,
वो क्या कहलाते हैं पता है? वो कहलाते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करते हैं और वो प्रेपोजिशन के बाद आते हैं तो वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। सेंटेंस यहाँ पे लिख रखे हैं मैंने, इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि प्रेपोजिशन फॉर्म्स क्या होते हैं। ये है प्रेपोजिशन फॉर्म्स, तो मोस्टली वन वर्ड प्रेपोजिशन होते हैं जिसमें कि एक ही एक वर्ड होता है। जैसे कि मैंने बताया इन ऑन एट, तो इन एट ऑन फॉर हो गया, विद हो गया, बिफोर हो गया, ऐसे बहुत सारे सिंगल वर्ड्स हैं जो वन वर्ड प्रेपोजिशंस कहलाते हैं। उसके अलावा दो वर्ड्स के भी होते हैं, तीन वर्ड्स के भी होते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस कहलाएंगे। उसमें दो या तीन वर्ड्स होंगे, जैसे अकॉर्डिंग टू दो वर्ड्स, इन फ्रंट ऑफ तीन वर्ड्स, तो इनको साथ में यूज सिंगल की तरह किया जाता है, मतलब ये साथ में लिखे जाएंगे, इन फ्रंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, ये कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस, मतलब कि कुछ वर्ड्स का इसमें ग्रुप होता है। तो इन दो तरीके के प्रेपोजिशंस आप पाएंगे, सबसे ज्यादा यूज ये होते हैं। अब सेंटेंसेस देख लेते हैं, द बुक इज डैश द टेबल, तो द बुक इज टेबल के ऊपर किताब रखी हुई है तो हम बोलेंगे द बुक इज ऑन द टेबल। और मान लीजिए हमें कहना हो कि टेबल के नीचे किताब रखी हुई है तो हम बोलेंगे द बुक इज अंडर द टेबल। ओके, सो ऑन ऊपर के लिए, अंडर यूज किया नीचे के लिए। The next one is I am coming dash January. January एक month का नाम है, महीने का नाम है, तो इसके साथ in आता है। ये सब मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, आप ये समझते चलिए अभी sentences में कि हम इन्हें use कैसे करते हैं। I am coming in January, मैं January में आ रहा हूँ। He jumped off the wall. Off का मतलब होता है, अगर हम off use करते हैं तो उसका मतलब होता है कहीं से उतरना, ठीक है? तो he jumped ऑफ द वॉल, मतलब कि वो दरवाजे पर से कूद गया, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं ही जंप्ड ओवर द वॉल। तो दोनों में एक फर्क है, ऑफ आप तब यूज करेंगे जब वो वॉल पे ही खड़ा है और उसके बाद उसने जंप कर लिया, तो ये हुआ ही जंप्ड ऑफ द वॉल। और अगर वो जमीन पे है और वॉल को छलांग मार के या फिर किसी भी तरीके से उसे क्रॉस करता है तो हम ही जंप्ड ओवर द वॉल बोलेंगे, ठीक है? द नेक्स्ट वन इज द गार्डन इज डैश द मॉल। अब हम यहाँ यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस। द गार्डन इज इन फ्रंट ऑफ द मॉल, मतलब कि बगीचा मॉल के सामने है, इन फ्रंट ऑफ, तो ये एक साथ ही यूज हुए, सिंगल की तरह यूज हुए, लेकिन ये है क्या, तीन वर्ड्स है। सिट डाउन, बैठ जाओ, फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, सिट डाउन फॉर अ व्हाइल। अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो प्रेपोजिशन के बाद आए हुए हैं ये सभी ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट? तो ये सभी प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। अब अगर आप एक बार ध्यान दें कि ये जितने भी हमने सेंटेंसेस में अभी इनके यूसेस देखे हैं उसमें ये प्रेपोजिशंस किसके बारे में बता रहे हैं, तो जैसे कि हमने बोला द मार्कर इज ऑन माई हैंड, तो माई हैंड एक पोजिशन के बारे में बता रहा है, राइट? आई एम इन द रूम, ये भी एक प्लेस के बारे में बता रहा है। The book is on the table, ये भी place के बारे में बता रहा है। I'm coming in January, ये क्या बता रहा है, time के बारे में बता रहा है। The garden is in front of the mall, ये भी place के बारे में बता रहा है। Sit down for a while, ये भी time के बारे में बता रहा है, ठीक है? और अगर मैं ये sentence को he jumped off the wall, तो ये एक movement के बारे में बता रहा है, direction के बारे में बता रहा है, ठीक है? तो जो भी जहां भी हम प्रेपोजिशंस यूज करते हैं मोस्टली इन्हीं चीजों के लिए यूज होते हैं, प्लेस, टाइम और मूवमेंट। उसके अलावा भी और भी जगह पे यूज होते हैं, बट मेनली यही टाइप्स हैं जिनके लिए हम प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं। तो अभी आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम सीखते हैं इनके बारे में। सो गाइज, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस की। तो जैसा कि मैंने बताया कि देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस या फिर पोजिशन भी बोलते हैं, प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट या फिर डायरेक्शन भी बोलते हैं। ओके, तो आप तीन चीजें याद रखिए, टाइम, प्लेस एंड मूवमेंट। तो टाइम से रिलेटेड कुछ मैंने यहाँ पे प्रेपोजिशंस लिख रखे हैं, इन, ऑन, एट, अगो, बिफोर, सिंस, फॉर, बाय, टू, विद इन, ड्यूरिंग, आफ्टर, एटसेट्रा। देर आर सो मेनी, बट मैं अभी आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। इन, ऑन, एट,
प्लेस में भी यूज होते हैं, जैसा कि मैंने बताया टाइम में भी होते हैं, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, बिसाइड, नियर एक्सेट्रा. एंड प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट में टू, ऑन टू, डाउन, ओवर, इनटू, फ्रॉम, टुवर्ड्स एक्सेट्रा. ठीक है, अब हम सबसे पहले प्रपोजिशंस ऑफ टाइम पे बात करते हैं. तो इन, ऑन और एट, इनके बारे में तो मैं अभी आपको कंपेयर करके बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. यहाँ से शुरुआत करते हैं अगो. अगो का मतलब होता है पहले, और ये हम कब यूज करते हैं, जब हम ये बताते हैं कि कोई काम कितनी पहले हुआ था. ही लेफ्ट द हाउस एन आवर अगो, मतलब कि वो एक घंटे पहले घर से निकल गया था. तो ये पहले के सेंस में यूज हुआ. उसी के साथ मैंने यहाँ बिफोर लिख रखा है. ही केम हियर बिफोर 10 o'clock. तो बिफोर का भी मतलब है पहले, लेकिन बिफोर हम यूज करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले की बात करते हैं. तो यहाँ मैंने क्या बोला, 10 बजे से पहले, तो हमने यूज किया बिफोर. यहाँ हम अगो नहीं यूज कर सकते. नेक्स्ट इज सिंस. सिंस हम यूज करते हैं निश्चित समय के लिए, यानी कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब कोई चीज शुरुआत हुई उस समय की बात करते हैं. तो अगर मैंने बोला आई हैव बीन टीचिंग सिंस 12 o'clock, मैं 12 बजे से पढ़ा रही हूँ. तो शुरुआत कितने बजे हुई, 12 बजे. तो वो शुरुआती टाइम बताने के लिए मैंने सिंस का यूज किया. उसके बाद आता है फॉर. ये भी यूज होता है ऐसे ही सेंस में, लेकिन फर्क ये है कि फॉर यूज होता है ड्यूरेशन के लिए. तो ये डेफिनेट टाइम के लिए यूज होता है और ये इनडेफिनेट टाइम के लिए यूज होता है. आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 hours, मतलब कि मैं 5 घंटे से पढ़ा रही हूँ. तो ये ड्यूरेशन बताया और इसने एग्जैक्ट टाइम बताया, पॉइंट इन टाइम. इट्स 4:45, इसका मतलब है कि 4:45 बजे हैं. तो टू हमने यूज किया समय बताने के लिए. कम बैक बाई 5 o'clock, तो बाई हमने जब यूज किया तो इसका मतलब है कि किसी समय तक की बात कर रहे हैं. कम बैक, वापस आ जाओ, बाई 5 o'clock, मतलब कि 5 बजे तक वापस आ जाओ, एक लिमिट दे दी, तब हमने बाई का यूज किया. इस तरीके से अलग अलग यूसेज हैं. अगर आप इनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ज्यादातर तो सही होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे कि मैंने बताया कि मे के लिए हम इनका भी यूज करते हैं और एट का भी यूज करते हैं, तो हमें सेंस को समझना पड़ता है. ठीक है, ये आपने सीखे प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम. अब हम मूव करते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस में. तो इन, ऑन, एट यहाँ भी यूज होता है, आगे अभी आप सीखेंगे. अंडर हो गया, अंडर का मतलब नीचे, बिहाइंड मतलब पीछे, बिटवीन मतलब बीच में, मोस्टली दो चीजों के लिए यूज होता है, दो चीजें दो लोगों के बीच के लिए. बिसाइड का मतलब हो गया बगल में, अब चाहे लेफ्ट या राइट, लेकिन बगल में बिसाइड. नियर का मतलब हो गया पास में. द बुक इज बिसाइड द नोटबुक, किताब कॉपी के बगल में है, तो बिसाइड हमने बगल के लिए यूज किया. द बुक इज नियर द टेबल, तो टेबल के पास में है, मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस है, जैसे हम पास बोलते हैं तो हमने नियर का यूज किया. अब हम मूव करते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट, यानी कि डायरेक्शन. तो ये तब यूज होते हैं जब कोई चीज, अभी आपने ये क्या देखा, ये सारी चीजें रखी हुई थी, ये मैंने समय की बात की, और प्लेस वाले में सारी चीजें वहां थी. अब हम बात करेंगे जब मूवमेंट हो रही हो, कोई भी चीज रखी जा रही हो, गिर रही हो, कूद रही हो, तब हम ये सारे प्रेपोजिशंस यूज करते हैं, जैसे कि टू, ऑन टू, डाउन, ओवर, एक्सेट्रा. टू हम यूज करते हैं जब हम कोई डेस्टिनेशन की बात करते हैं, डायरेक्शन भी हो, डेस्टिनेशन भी हो. जैसे हम कहते हैं ना, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई गो टू स्कूल, तो डायरेक्शन भी है कि हम उधर जा रहे हैं, लेकिन हम एक डेस्टिनेशन बता रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तब हम टू का यूज करते हैं. ठीक है, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रही हूँ, तो डेस्टिनेशन क्या है, मार्केट, इसके लिए हमने टू का यूज किया. इसी की जगह पे जब हम टूवर्ड्स का यूज करते हैं, मान लीजिए अगर मैं टूवर्ड्स को यूज करके बोलूं और मैं बोलूं आई एम गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट, तो वहां पे ये होगा कि मैं मार्केट की तरफ जा रही हूँ. तो डायरेक्शन तो बता रहा है, लेकिन डेस्टिनेशन जरूरी नहीं है कि मार्केट, हो सकता है मैं उसके बाद कहीं और जाऊं, उससे आगे जाऊं. तो टूवर्ड्स हम बताते हैं की ओर के लिए, सिर्फ डायरेक्शन के लिए. और टू हम यूज करते हैं जब डायरेक्शन तो है ही, लेकिन डेस्टिनेशन भी निश्चित है. ठीक है, अब हम बात करते हैं ही पुट द जग onto the table. onto हम यूज करते हैं जब कोई चीज मूवमेंट के साथ हो रही हो. जैसे मैंने कहा he put the jug onto the table, उसने जग टेबल पर रख दिया, तो मूवमेंट हो रही थी, इसके लिए हमने onto यूज किया. नेक्स्ट इज pour the water into the glasses, तो into भी मूवमेंट के लिए यूज होता है. इन, कोई चीज अंदर है तो हमने इन बोला, और कोई चीज अंदर हम डाल रहे हैं तो हम इनटू बोलेंगे. पोर द वॉटर मतलब कि ग्लासेस में पानी डाल दो, इनटू.
ठीक है, तो इस तरीके से मूवमेंट के लिए आपने ये वर्ड्स यूज करने हैं. फ्रॉम का यूज हम करते हैं जहां से हम शुरुआत करते हैं. आई एम गोइंग टू द मार्केट फ्रॉम माय होम. मैं अपने घर से मार्केट जा रही हूँ. ठीक है, अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट. इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इन, ऑन और एट में फर्क समझेंगे कि कब किसको कहाँ यूज करना है. तो गाइज अब चलिए हम बात करते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम इन, ऑन और एट के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है. तो ये मैंने एक शेप बना रखा है, इससे आपको मैं समझाती हूँ कि अगर टाइम की बात करेंगे तो इधर चीजें लिखी हुई है, प्लेस की बात करेंगे तो इधर चीजें लिखी हुई है. ठीक है, तो अगर जनरल टाइम की बात कर रहे हैं तो हम इन यूज करेंगे, स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं तो ऑन यूज करेंगे, एंड वेरी स्पेसिफिक टाइम यानी कि एग्जैक्ट टाइमिंग की बात करेंगे तब हम एट यूज करेंगे. और प्लेस के लिए मैं आपको उसके बाद बताऊंगी. उससे पहले मैं इस चार्ट में आपको समझाना चाह रही हूं कि इन हम कब यूज करेंगे. जनरल टाइमिंग जैसे कि मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड्स, मतलब कि लंबे समय के लिए. जैसे कि मंथ के साथ इन आएगा इन जून, आई एम कमिंग इन जून, मैं जून में आ रही हूँ. इन विंटर यानी कि ठंड में, इन 2002, आई हैड बॉट अ हाउस इन 2002. इन द लास्ट सेंचुरी, इन द पास्ट, पास्ट के लिए बोलेंगे इन द पास्ट. एक लॉन्ग पीरियड की बात हो गई, इन द फ्यूचर, भविष्य में. ठीक है, तो जनरल टाइमिंग के लिए आपने इनका यूज किया. अब हम आते हैं स्पेसिफिक टाइम पे, जैसे कि डे एंड डेट्स. तो दिनों के नाम डेट्स के साथ हम ऑन का यूज करते हैं. जैसे ऑन मंडे, आई एम कमिंग ऑन मंडे, आई विल गो टू द मार्केट ऑन मंडे. तो सोमवार को, ऑन संडेज तो ऑन, ऑन 5 मे, On 6 June 2010, my niece was born on 6 June 2010. On Diwali, किसी फेस्टिवल के लिए भी हम on का यूज करते हैं. On Diwali, on Dashera, on my birthday, on his birthday, I gave a present on his birthday. तो इस तरीके से आप डे और डेट्स के साथ on का यूज करते हैं. अब थोड़ा सा और स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक टाइम के लिए, जिसे हम प्रिसाइज टाइम भी कह सकते हैं, एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए हम एट का यूज करते हैं. तो इन से शुरू किया, इन, ऑन, फिर एट. एट एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए यूज करेंगे, एट 6:30, सो आई गो लाइव एट 6:30, एट 7 o'clock, एट 10 a.m. आई हैव ब्रेकफास्ट एट 10 a.m. एट नून, एट डिनर टाइम, एट बेड टाइम, एट द मोमेंट, आई एम बिजी एट द मोमेंट, एट मिडनाइट. तो ये सभी एग्जैक्ट टाइमिंग हो गई, इनके साथ हमने एट का यूज किया. तो हमेशा ऐसे याद रखिए, इन, ऑन, एट, बड़े से छोटा, तो आप भूलेंगे नहीं, बड़े से छोटा, इन, ऑन, एट. अब इसके बाद हम सीखेंगे प्लेस के बारे में. तो अभी आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट. तो गाइज अब बात करते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस इन, ऑन और एट के बारे में. तो जैसा कि मैंने शेप आपको पहले भी दिखाया था, तो यहाँ पे जब बड़े जगह की बात करेंगे, बिग प्लेस की, तो इन यूज करेंगे. उससे छोटे की बात करेंगे तो स्मॉल, और स्मॉलर मतलब कि जब एग्जैक्ट किसी पॉइंट की बात करेंगे तब एट. तो ये भी बड़े से छोटा ही आएगा, इन, ऑन, एट. तो देखिए, इनका यूज हम करते हैं फॉर बिगर प्लेस, जब जगह बड़ी हो तब हम इनका यूज करते हैं. फॉर एनक्लोज्ड स्पेस, जिसमें कि जैसे कि जब चारों तरफ कोई चीज बनी होती है, दीवार वगैरह, तो वो स्पेस एनक्लोज्ड स्पेस कहलाता है. ठीक है, अब इन दिल्ली, दिल्ली एक सिटी का नाम है, बड़ी जगह है, तो हम इन दिल्ली बोल सकते हैं. इन द रूम, रूम चारों तरफ से बंद होता है इसलिए इन द रूम. इन द गार्डन, गार्डन में भी एक दीवार होती है चारों तरफ, इन द गार्डन. इन अ बिल्डिंग, इन द कार, इन द टैक्सी. कार और टैक्सी ढके हुए होते हैं, छोटे होते हैं, इसलिए हम इन्हें इन यूज करते हैं, क्योंकि हम उसके अंदर होते हैं. इन अ बिल्डिंग, ठीक है. ऑन हम यूज करते हैं सरफेस के लिए. सरफेस का मतलब कि ऐसे कोई चीज है, सरफेस पे कोई चीज है. तो ऑन द फ्लोर, ऑन द रूफ यानी छत पर, ऑन द वॉल, वॉल भी एक सरफेस है तो वॉल के साथ भी ऑन आएगा. ऑन द रोड, ऑन द थर्ड फ्लोर. अब यहां देखिए, मैंने कहा इन अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए हमने इन यूज किया, लेकिन थर्ड फ्लोर के लिए हम ऑन यूज करेंगे. आई लिव ऑन द थर्ड फ्लोर इन अ बिल्डिंग, ठीक है, तो ऑन यूज करेंगे फ्लोर्स के लिए. ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन.
तो हमने कार और टैक्सी के लिए इन यूज किया था और बस और ट्रेन के लिए हम ऑन यूज कर रहे हैं. तो यहाँ व्हीकल्स की बात करें और व्हीकल्स के लिए उल्टा है. जब हम बड़े व्हीकल्स की बात करते हैं तो ऑन का यूज करते हैं और कंपैरेटिवली उससे छोटे की बात करते हैं तो इन का यूज करते हैं. जैसे कि एरोप्लेन के लिए हम ऑन यूज करेंगे और हेलीकॉप्टर के लिए हम इन यूज करेंगे. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे एट. अगर हम एक प्लेस की जहां बात कर रहे हैं तो वहां पे स्मॉलर एंड स्पेसिफिक प्लेस फॉर अ पॉइंट, जैसे कि एट द बस स्टॉप. क्योंकि बस स्टॉप एक पॉइंट है तो हमने एट का यूज किया. एट द डोर, दरवाजे के लिए हम एट यूज करते हैं. एट द एंट्रेंस, मतलब जहां से एंट्री लेते हैं वहां पे. एट द क्रॉस रोड्स, तो अब देखिए कि रोड के लिए हमने बोला ऑन द रोड और क्रॉस रोड्स यानी कि चौराहा, तो चौराहा के लिए हम बोलते हैं एट द क्रॉस रोड्स क्योंकि ये एक पॉइंट है. ऑन द रोड मतलब हम कहीं पे भी, रोड पे कहीं पर भी हो सकते हैं लेकिन चौराहा एक पॉइंट है. एट होम, घर पर. अब जैसे कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक जगह का नाम लेना है कि मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं बोलूंगी आई लिव इन दिल्ली. लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि मैं दिल्ली में करोल बाग में रहती हूँ तो यहाँ दो बार मैं आया लेकिन हम दो बार इन नहीं बोलेंगे. हम बोलेंगे आई लिव एट करोल बाग इन दिल्ली. तो दिल्ली बड़ी जगह है, करोल बाग छोटी है, तो करोल बाग के साथ एट और दिल्ली के साथ इन लगाएंगे. तो कंपैरेटिवली जब भी बड़ी जगह और छोटी जगह एक साथ दी हो तो छोटी जगह के साथ एट और बड़ी जगह के साथ इन. और सिर्फ अगर अकेले दिया है तो आप इन भी बोल सकते हैं. तो अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट और राइट गाइज, इट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप कि आपको ये लेसन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया हो. जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग इन, ऑन और एट है वो भी आपने अच्छे से समझ लिया. अब आप इसमें कोई गलती नहीं करेंगे. एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी गाइज, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी इस सीरीज़ का फ़ायदा मिल सके और वो भी इंग्लिश सीख सके. फिर मिलूंगी आपसे डे 14 में और डे 14 में आप सीखेंगे कंजंक्शंस के बारे में. तब तक के लिए बाय बाय.